सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अल्फा देवेश। और आज अर्ली मॉर्निंग 8 बज रहा है करीब, हम निकल रहे हैं बाइक का सर्विसिंग करवाने। तो फ्रेंड्स अभी मतलब आज मेरे को अपना बाइक का थर्ड सर्विसिंग करवाना है, जो फ्री सर्विसिंग रहता है। इसके लिए हम एकदम अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हैं, 8 बज रहा है। उतना अर्ली नहीं बोलना चाहिए बट मॉर्निंग में निकल रहे हैं। आज से 3-4 दिन के बाद मेरा बाइक का ऑलमोस्ट 1 साल हो जाएगा लिए हुए, तो 1 साल कंप्लीट होने पर ही हम लोग को थर्ड सर्विसिंग करवाना पड़ता है। या तो 1 साल कंप्लीट होना चाहिए या तो 10,000 किलोमीटर। तो 10,000 तो मेरा नहीं हुआ, अभी 9,136 दिखा रहा है, तो पहले यही करवा लेते क्योंकि 1 साल कंप्लीट होने वाला है। वीकडे है, ट्यूसडे है, तो मेरे को वीकडे में मेरा ऑफिस रहता है 11:30 बजे से। तो हम थोड़ा अर्ली मॉर्निंग निकल गए ताकि अपना बाइक को सर्विसिंग सेंटर में छोड़ देंगे सुबह सुबह जाके, और फिर शाम को जाके उठा लूँगा जब सर्विसिंग हो गया रहेगा। बातचीत हो गई है, मेरा स्लॉट बुक करना पड़ता है। यहाँ बैंगलोर में तो क्योंकि भीड़ ज़्यादा रहता है ना सर्विसिंग सेंटर में, तो स्लॉट बुक करना पड़ता है। कहीं तो हम पहले से ही बुक करके रखे थे ट्यूसडे का, मेरे को बहुत दिन से टाइम नहीं मिल रहा था, बट अब सर्विसिंग करवाना ही पड़ेगा। थोड़ा सा ज़्यादा ही ज़रूरत लग रहा है अब सर्विसिंग का। एंड एक्चुअली मेरा बाइक जो है ना, इसमें सेकेंड सर्विसिंग ना थोड़ा सा टाइम से पहले ही हो गया था, मतलब 6 महीने में होना चाहिए था, हम इसको 5 महीने में ही करवा दिए थे, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा गैप बन गया है सर्विसिंग के बीच में। मैंडेटरी हो गया था, बता रहे थे आप लोगों की इसको सर्विसिंग सेंटर में छोड़ देना है। एंड एक्चुअली मेरे घर के पास, मतलब हम तो अराउंड ये एतिसाल लेआउट सेक्टर 1 में रहते हैं, बट यही है कि उस तरफ में भी बहुत सारे शोरूम हैं सर्विसिंग के लिए, बट हम जा रहे हैं BTM लेआउट, क्योंकि बैंगलोर का मैं कोई आइडिया नहीं था कि कौन सा शोरूम बेटर है, क्योंकि यहाँ पर तो आप किसी में भी करवाओ या कहीं पर भी करा सकते हो ना, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि गाड़ी तो हम जमशेदपुर से लिया था, एंड तो गूगल मैप में जब रिव्यूज़ वगैरह देखा तो BTM का वो सही लगा मेरे को, और वहाँ पर मैं ऑलरेडी बात करके आ चुका था कि सर्विसिंग करवाना है। बाइक को वैसे सर्विसिंग का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि थोड़ा गैप ज़्यादा बन गया था, और बाइक ना सेकंड सर्विसिंग और थर्ड सर्विसिंग के बीच में बहुत ज़्यादा रगड़ के चला भी है। बहुत सारा मैंने, मतलब बहुत ज़्यादा ही चला है, अराउंड अगर हम बात करेंगे तो 6-7 किलोमीटर चला, मतलब 6-7 हज़ार किलोमीटर चला है सेकेंड सर्विसिंग और थर्ड सर्विसिंग के बीच में, जो कि बहुत होता है। तो उसमें क्या हुआ कि मेरा बाइक में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम सब आने लग गया। एक तो ये वॉबलिंग इशू भी मेरे को थोड़ा थोड़ा अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि हो रहा है, तो मेरे को आज जाके थोड़ा दिखाना होगा कि वॉबल वाला इशू का क्या सॉल्यूशन निकल सकते हैं वो लोग। वैसे उतना वॉबल तो नहीं करता है, हमको उतना कभी फील नहीं होता है, बट कभी कभार रेली कर जाता है, क्योंकि रोड कंडीशन भी बहुत मैटर करता है ना वॉबल में। और हमने बैंगलोर में आप देखोगे ना तो थोड़ा सा रोड का कंडीशन बहुत ख़राब है,
कभी कभार वॉबल करता है, तो वो चीज़ को दिखाना है। बाकी तो मेरा, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा जो ये है गियर भी थोड़ा फंसता है ज़्यादा। अब आजकल थोड़ा फंसने लग गया, तो मेरे को थोड़ा होता है ना, थोड़ा सा बढ़िया से सर्विसिंग अगर एक बार हो जाए तो सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। गियर वगैरह दिखाना है, गियर ब्रेक सब कुछ, थोड़ा सा ग्रीसिंग भी हो जाएगा तो सही रहेगा। और गाइस हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, ये रहा शोरूम, उसके बगल में ही सर्विस सेंटर है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो मेरा बाइक का सर्विसिंग हो रहा है, और मेरा बाइक में अभी इंजन ऑयल तो इन्होंने चेंज कर दिया है, अराउंड 3.1 लीटर का इंजन ऑयल लगता है, और एयर फिल्टर भी इन्होंने चेंज कर दिया है जो कि हर सर्विसिंग मैंडेटरी होता है। तो अब फ्रेंड्स आप लोग जैसे कि देख सकते हो अभी मेरा बाइक का जो स्टीयरिंग है ना, उसका थोड़ा हम लोग ग्रीसिंग करवा रहे हैं बढ़िया से, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था वीडियो में पहले ही, थोड़ा सा मेरे को वॉबलिंग का इशू आ रहा है, बट बहुत ही माइनर इशू था, बट हम रिस्क नहीं लेना चाहते, हम पहले से इसको थोड़ा सही करके रखना चाहते हैं, तो इसीलिए इन लोगों को बोल दिए थे कि आगे का स्टीयरिंग का देख लेने के लिए। तो वो स्टीयरिंग का जो ग्रीसिंग रहता है वो तो वैसे फ्री सर्विस में इंक्लूडेड रहता है, बट फिर भी मैंने बोल दिया था तो वो लोग अभी कर रहे हैं सही से, यही एक चीज़ अभी करके देख सकते हैं, बाकी तो वैसे उतना इशू नहीं है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा आगे और पीछे का दोनों का टायर जो है वो थोड़ा मतलब बेकार हो गया है, तो वो चीज़ मेरे को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तो वो हम चेंज कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसा रिज़ल्ट है। तो ये है मेरा ब्रेक पैड जो कि पूरा ही ख़त्म हो चुका था, क्योंकि ऑलमोस्ट 9000 किलोमीटर हो गया था, तो आगे का और पीछे का दोनों का ब्रेक पैड चेंज करना पड़ा मेरे को थर्ड सर्विसिंग में। तो मेरा बाइक का ये सर्विसिंग हो चुका है और क्लीनिंग वगैरह हो गया है, तो अभी आप देखो क्या मस्त लग रहा है क्लीनिंग के बाद, और इसके बाद इसको थोड़ा पॉलिश भी करना पड़ेगा, तो अब देखो ये पॉलिश के बाद फिर कैसा लग रहा है। तो आप लोग बताओ अपना कमेंट सेक्शन में कि पॉलिश करने के बाद बाइक का चमक कैसा लग रहा है। सर्विसिंग हो गया है, मेरे को लगा था कि सुबह को दूंगा तो शाम को मिलेगा सर्विसिंग करके, बट जल्दी कर दिया यार लकीली, मतलब हम 8:30 दिए थे, मतलब पहुंचे थे सर्विसिंग, और अभी 11:30 बज रहा और मेरे को बाइक मिल चुका है, जो कि बहुत सही चीज़ है यार। मतलब मेरे को तो इस सर्विसिंग का मतलब सर्विसिंग सेंटर का अब बहुत अच्छा लगा, मतलब ये चीज़ यार 3 घंटा में कर दिया इतना भीड़ में भी, और सब कुछ करके दिया एकदम साफ, पूरा एकदम पॉलिश वॉलिश सब कुछ करके दिया। तो हम तो इन लोगों को अच्छा रिव्यू देने वाला है गूगल में, गूगल मैप में, क्योंकि और वैसे भी हम गूगल मैप को देख करके यहाँ पर आया था, तो हम इन लोगों को अच्छा रिव्यू दे गई, गाड़ी पूरा सॉर्टेड लग रहा है अब। अच्छा अब मेरे को बताना था कि जैसे कि मेरे गाड़ी में क्या क्या चेंजेस हुए, तो चलिए हम एक एक करके आप लोगों को बता देते हैं। मेरा थर्ड सर्विस था ना, तो मेरे को पहले तो इंजन ऑयल लगा, तो वो तो करीब 3.2 लीटर का डालना पड़ता है मेकल टेस्ट में, तो उसका अराउंड 2000 रुपये लगा, ठीक है। और फिर एयर फिल्टर चेंज होता है तो उसका भी अराउंड 500 रुपये लग जाता है। फिर ये सब बेसिक है, ये तो लगेगा ही लगेगा सबको, बट मेरा क्या एक्स्ट्रा लगा, क्योंकि मेरा अराउंड 10,000 पहुँचने वाला है मतलब किलोमीटर, तो मेरा ब्रेक पैड भी पूरा एकदम घिस गया था, आगे वाला भी पीछे वाला भी, तो आगे वाला का तो 2100 लगा, पीछे वाला का 2500 लगा, तो ये सब भी चीज़ ऐड करना होगा 2100-2500। और फिर तेरा थोड़ा सा मतलब ये होता है ना, वो चेन का, चेन लूप, चेन क्लीनिंग का किट, वो सब मिला के भी कुछ 150 रुपया ऐसा कुछ लगा, तो छोटा मोटा चीज़ ग्रीस वगैरह का पैसा लगा कुछ 70-80, बाकी वो थोड़ा मोटा स्प्रे वगैरह जो मारते हैं वो सब का पैसा लगा, तो वही मेजर खर्चा था। और मेरे को मोर और लेस मेरे को जहाँ तक याद है 7,700 रुपये का बिल बना था, तो ठीक है। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने बताया मुझे अराउंड 7,700 के करीब लगा सर्विसिंग में, ऐसे तो यूजुअली मेरे हिसाब से मतलब 2600 तक लगता है, 2600-2700 जो मैंडेटरी है, जैसे कि इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ये सब चेन लूप और ये सब ग्रीसिंग वगैरह तो आपको लगेगा ही,
बट यही है कि मेरे को अराउंड दो ब्रेक पैड लगाना पड़ा, आगे वाला और पीछे वाला, जो प्राइस आपको ऑलरेडी बता दिए 2100 और 2500 का, इसलिए मेरे को थोड़ा ज़्यादा लगा। तो यही सब चेंजेस हुआ, बाकी तो मेरे गाड़ी में जैसे आप लोग को बताए थे कि मेरा थोड़ा ब्रेक जो कमज़ोर हो गया था पीछे वाला, तो उसमें ब्रेक पैड चेंज कर दिया और टाइट कर दिया सही से, तो अब सही हो गया। और इसका गियर भी जो अटक रहा था हल्का सा, मतलब क्लच थोड़ा फंस रहा था हल्का सा, वो थोड़ा हो गया था क्योंकि बहुत दिन से सर्विसिंग नहीं हुआ था ना बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी होना चाहिए, तो वो चीज़ उसको सही किया गया, मतलब अब थोड़ा क्लच वगैरह सही काम कर रहा है, फ्री है। और वही है कि क्लच वगैरह फ्री हो गया और गियर वगैरह सही से लग रहा है, तो ये सब चीज़ तो मैंडेटरी था। और बाकी मेरे बाइक में ऐसे आपको बताया थोड़ा वॉबलिंग इशू आ रहा था, तो वॉबलिंग वाला जो इशू था वो एक्चुअली उतना बड़ा इशू नहीं था, क्योंकि इन लोगों ने बोला था कि अगर आप हाथ पकड़े हुए हो, मतलब हैंडल को अगर आप पकड़े हुए हो उसके बाद अगर हल्का हल्का हिल रहा है तो वो चलता है, मतलब उसको कंपनी नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं बोलती है उसको, मतलब कंपनी भी बोलती ही नहीं है उसको। अगर आप हैंडल पकड़े हुए हैं और फिर भी वॉबल हो रहा है तब वो एक इशू है। तो मेरे हैंडल पकड़ने पर अच्छा खासा स्पीड में भी, मतलब एकदम हाई स्पीड में भी कभी वॉबल नहीं किया, तो इसीलिए मेरे को इशू नहीं लगा। बट फिर भी उन्होंने बोल दिया कि अगर तुमको फिर भी इशू लगता है तो तुमको करना ये चाहिए कि पहले तो टायर चेंज करवा लेना चाहिए था आगे पीछे, क्योंकि मेरा अराउंड 9000 किलोमीटर हो गया ना, तो ये रिकमेंड किया जाता है कि 10000 तक में आपको टायर बदलना रहता है। तो मेरा 9100 कुछ हो गया, तो वैसे भी हम कुछ दिन में अपना पीछे वाला टायर और आगे वाला टायर बदलेंगे। और उन्होंने बोला वही कि टायर बदल लेना तो सही हो जाएगा जो भी है थोड़ा मोड़ा, उसके बाद भी अगर रहेगा तो हम लोग देखेंगे थोड़ा ग्रीसिंग वगैरह करके। बट उन्होंने बोला कि जो ये स्टीयरिंग का है इसका थोड़ा ये करना था ग्रीसिंग स्टीयरिंग का, तो वो तो सर्विसिंग में ही कर दिया बढ़िया से खोल के। हाँ एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि जो भी लोग का बाइक अदर स्टेट का है या फिर अदर सिटीज़ का है और जिनका शोरूम कहीं बाहर में है, तो हम उन लोगों को यही बोलेंगे BTM लेआउट वाला जो ये सर्विस सेंटर है वो बहुत मस्त था, हम इसका रिव्यू देख के गए थे, पर अब भी हम एक बढ़िया रिव्यू देने वाले हैं क्योंकि मेरा काम तो हो गया, बाकी का नहीं पता, मेरे को तो सही से सब कुछ करके दिया, ऊपर से 3 घंटे के अंदर सब कुछ करके दिया, गाड़ी को क्लीन भी कर दिया, पॉलिश भी कर दिया, सब कुछ, और सब कुछ मेरे सामने किया, तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा सर्विस था उसका। और हाँ मैं उनका नाम नहीं भूलना चाहूँगा, मिस्टर उदय नाम है जो मेरे एडवाइज़र थे, तो जो भी जाएगा वो मिस्टर उदय को ढूंढ सकता है वहाँ पे। मिस्टर उदय बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, उनको सब आइडिया है कि सिटी के बारे में, उनको अच्छा आइडिया है, तो वो बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ ख़राब है, क्या चीज़ सही करने से कैसे होगा, तो उन्होंने बहुत कुछ बताया। और हाँ उनको बहुत बड़ा थैंक यू जो मेरा काम बहुत जल्दी से ख़त्म कर दिया। और वही है कि अभी मुझे जाके थोड़ा ऑफिस का काम शुरू करना है। ये BTM लेआउट वाला जो सर्विस सेंटर, इसका लोकेशन भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप लोग भी उसको रेफ़र कर सको और वहाँ पे जा सको। और ठीक है गाइस, अभी के लिए इतने ही रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, सब लोग अपना ख्याल रखो, बाय।